हम बात करने जा रहे हैं लव और ऑब्सेशन, इनमें क्या फर्क होता है। ऑब्सेशन में अगर कोई चीज चली जाए तो प्यार भी किसी काम का नहीं रहता, इसके लिए बहुत अच्छा है। टीनेज जो 18-19 साल के हैं और उनसे यूथ जो अपनी नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो मैं आज 5 पॉइंट आपको शेयर करने वाला हूं। आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्यार से ऑब्सेशननेस में कब जा रहा है, और ऑब्सेसिव अगर हो गया है रिलेशनशिप तो उसको आपकी इच्छा है छोड़ना या कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जेडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं मेरे चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव और ऑब्सेशन, इनमें क्या फर्क होता है। ऑब्सेशन में अगर कोई चीज चली जाए तो प्यार भी किसी काम का नहीं रहता। कहते हैं ना कि ज्यादा कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जयेत, ये संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत है कि अति कोई भी चीज की बुरी होती है। आपको क्या करने की जरूरत है अगर प्यार ऑब्सेसिवनेस में जा रहा है, ऑब्सेशन में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत है। और अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारे जो दोस्त हैं एडवोकेट्स, उनके बहुत चक्कर लगेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप वहां चक्कर लगाना चाहते हैं तो ऑब्सेशन में चलने दीजिए लाइफ को। और अगर आप वाकई ही लाइफ को सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको लव और ऑब्सेशन फर्क पता होना चाहिए। और जैसे ही लव से टर्निंग ऑब्सेशन में जाए आपके रिलेशनशिप की, आपको वहीं से हाथ जोड़ देने चाहिए। तो चलते हैं जर्नी पे। और ये वीडियो किसके लिए बहुत अच्छा है, टीनेज जो 18-19 साल के हैं और उनसे यूथ जो अपनी नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो मैं आज 5 पॉइंट आपको शेयर करने वाला हूं। आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्यार से ऑब्सेशननेस में कब जा रहा है, और ऑब्सेसिव अगर हो गया है रिलेशनशिप तो उसको आपकी इच्छा है छोड़ना या क्या करना है, ये आप पे छोड़ता हूं। चलिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम और जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चलते हैं जर्नी पे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इनसाइड हेट बिहेवियर। जो आपका काउंटर पार्ट है, जिससे भी आपका रिलेशनशिप है, वो उसके अंदर कहने की हेट बिहेवियर अगर है तो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। अब आप कहेंगे जी पता कैसे चलेगा, बहुत ही आसान, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने आप जोड़ लेंगे। अब आप कहीं जा रहे हैं, आपका नंबर नॉट रीचेबल होता है, क्योंकि हमारी जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो तो माशाल्लाह है, वो तो कभी भी नॉट रीचेबल कर देते हैं फोन को, उनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। और जब वो दोबारा नेटवर्क में आया, स्पैन में 10 मिनट 15 मिनट, हो सकता है ऐसे बेसमेंट में हो जहां 1 घंटा भी लग गया हो, तो आपने देखा कि उसके ऊपर मिस्ड कॉल अलर्ट जो आजकल सर्विस चल रही है, आपने देखा 20-20 कॉल के मिस्ड कॉल अलर्ट हैं आपके पार्टनर के। अरे भाई क्या हो गया ऐसा, फिर सडनली उसमें मैसेज भी है, यू आर इग्नोरिंग मी, यू डोंट केयर फॉर मी, आई कैन नॉट बिलीव ऑन यू, दिस काइंड ऑफ मैसेज, I cannot expect this kind of behavior from you. कुछ भी इस तरह के मैसेज जो आपको प्रोवोक करते हैं। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, लेकिन साइकोलॉजी इसको ऐसे लेती है कि वो आदमी के अंदर कहने की हेट बिहेवियर छुपा हुआ है, और वो हेट बिहेवियर उसको पेशेंस उसकी खत्म कर रहा है। नहीं तो आदमी पेशेंस लिए देखता है, 1 दिन 2 दिन कोई फोन करेगा वापस, क्योंकि आपकी ड्यूटी है फोन करना। लेकिन अगर आप फोन नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको सॉरी माननी चाहिए, आपको बोलना भी चाहिए कि हाँ गलती होगी, आई मिस दिस कॉल, लेकिन उसको थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, 2 घंटे 4 घंटे हो सकता है आप बिजी हो। और अगर वो ऐसा ही बिहेव हर बात पे, छोटी छोटी बात पे कर रहा है या कर रही है, तो समझ लीजिए ये रिलेशनशिप ऑब्सेशन में चला गया है, ऑब्सेसिव रिलेशन हो गया है। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, इमोशनली इनसिक्योर। वो इमोशनली इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, मान लो आज शाम को आप दोनों की एक मीटिंग है, सडनली कुछ चार दोस्त आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई आज तो हमारे साथ चलेगा। अब आपने फोन किया धीरे से, आज मैं मिल नहीं पाऊंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए,
ओके 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 करके दोनों ने फोन रख दिया। फिर 15 मिनट बाद फोन आया, कौन कौन है तुम्हारे साथ, अच्छा वो क्यों आया हुआ है, वो किस लिए आया है, तुम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। मुझे पक्का मालूम है कोई लड़की भी होगी, और अगर लड़का कर रहा है तो कोई लड़का भी होगा, रिवर्स अपने जेंडर के साथ आप यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा बिहेवियर वो हो रहा है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव एक्स्ट्रा हो गया है, और एक्स्ट्रा ऑब्सेशन के वजह से इमोशनली इनसिक्योर है, उसको अपना ऑब्सेशन का करेक्शन करने की आवश्यकता है। बट उस करेक्शन को करने के बजाय वो ब्लेम में चला जाएगा और आपके रिलेशनशिप स्टेक पे आ जाएगा। तो आप समझ गए हैं, इस तरह के रिलेशनशिप ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं, इनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। फील रोमांस विद द पेन। पेन मतलब, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं तो आप समझिए कि कनॉट प्लेस में पुलिस वाले गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। अब आपने टाइम फिक्स किया, भाई 4 बजे हम यहाँ मिलेंगे, आप 10 बार फोन कर रहे हो, हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। जो लोग दिल्ली के हैं उनको समझ में आ रहा होगा कनॉट प्लेस के अंदर गाड़ी को चलाना और गाड़ी को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, पुलिस वाले आपकी गाड़ी को मेन रोड पर रोकने नहीं देंगे। अब वो आराम से बैठा है कॉफी हाउस में, आप फोन कर रही हैं उसे, अरे भाई आ जा जल्दी, पुलिस परेशान कर रही है वगैरह, देखो ये मेरी सोलमेट है, इंतजार करेगी, अपनी अपनी चलती है। अब वो 1 घंटा बिना किसी बात के आपको वेट करवा रहा है और आप 15 चक्कर मार चुकी हैं उसके कनॉट प्लेस के, क्योंकि खड़े तो होने नहीं दे रहे, पार्किंग ढूंढ रही है, परेशान हो रही है। और वो आगे तक क्या हो गया, इंतजार किया, कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया करती है इंतजार। अगर इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो रोमांस विद पेन है ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि अभी आपका स्पैन ऑफ टाइम कम है एक दूसरे के साथ। बट अगर कल आप मैरिज के रिलेशनशिप में जाते हैं स्पैन ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, और जब 24 घंटे आप साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा बिहेवियर आपका कंटिन्यूटी में जाएगा तो इरिटेशन बढ़ जाएगी, और फिर मेरे वकील दोस्त आपको याद आएंगे। तो अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो आज से ही समझ लीजिए ये ऑब्सेसिव रिलेशनशिप है, इसमें रहना नहीं रहना ये आपकी इच्छा है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द गिल्ट। हर चीज में वो आपको गिल्ट देने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आप दिन में 2-3-4-5 बार बात करते हैं, वट एवर द टाइमिंग इज दैट सुटेबल बोथ ऑफ यू, और एक दिन आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, और ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत दूर से आए हैं, क्या करने वाले हैं आप डेफिनेटली उनको टाइम देंगे, उनके साथ थोड़ा इधर उधर जाएंगे और आप बात नहीं कर पा रहे हैं, वो फोन कर रहा है, आप थोड़ा सा काट रहे हैं, कभी हेलो करके रख रहे हैं, अरे मैं करता हूँ, अवॉइड कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि मैं यहाँ बात ही नहीं कर पाऊंगा। अब आप नेक्स्ट डे मिले, आपने बताया अरे मेरे तो कोई जानकर आए थे इस वजह से वो शुरू हो गया, हाँ हाँ तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं। और ऐसा वो 10 बार कर सकता है। दूसरा पर्सन, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम तो अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते निभाओ, तुम देख लो उन रिश्तेदारों के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। अब हो गई कहानी शुरू। अब आप एक दिन बिजी थे और आपके वो जो रिलेशनशिप की दूरी है वो लगभग 1 महीना इसी लड़ाई में चल रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अगेन ये ऑब्सेसिव रिलेशनशिप हो चुका है। आपको देखना है कि आपको इसको मैरिज में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है स्टेटस ऑब्सेशन। ये भी बहुत ही डीप समझने की चीज है और खतरनाक है। स्टेटस ऑब्सेशन अगर वो बार बार हर बात पे आपको ऐसा प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, अरे मेरे को तो 100 प्रपोजल आए थे, मैंने तो रिजेक्ट कर दिए, तुम्हें बस मैंने देख लिया, तुम्हें हाँ कर दी, ऐसा नहीं था कि तुम मेरे को स्टेटस के हो, मेरे देखो कितने चाहने वाले हैं, तो दोनों ही केसेस में वो ऑब्सेशन थोड़ा छुपा हुआ है। जैसे ही वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा ब्लास्ट हो जाएगा, और वो ऐसा ब्लास्ट होगा जैसा जापान में
हिरोशिमा पे हुआ था कि पता नहीं कितने लोगों को बर्तनों की आवाज सुनाई देगी, और अगेन मेरे वकील दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करें, अगर एक, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बजाय प्रेशर है आप पे, और आप प्रेशर क्रिएट एक पार्टनर कर जा रहा है, दूसरा बियर कर जा रहा है, तो एक बार वो प्रेशर कुकर फटेगा और उस रिलेशनशिप को आप लंबा नहीं चला पाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्सेशन क्या है और लव क्या है। प्यार होना बहुत अच्छी बात है, बट प्यार जब ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको बहुत परेशान करने लगता है, आपको इरिटेट करने लगता है, और वो रिलेशनशिप अगर मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर बहुत ही रेयर केस है कि वो मैरिज ज्यादा लंबे समय तक चल पाती है। इस बारे में फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जरूर डालिए अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो। वी लव टू लिसन फ्रॉम यू, और अभी हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और लोगों से इसको जितना बांटेंगे उतना ही लोगों की हेल्प करेंगे आप। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।